हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेबटेक हट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राउटिंग के बारे में बात करेंगे कि लारावेल में जो आपको ये राउट्स वाला फोल्डर है इसका क्या काम है और इसके बीच में जो फाइल है उसका क्या काम है। ये देखिए, इसमें वेब डॉट पी एच पी, कंसोल डॉट पी एच पी, ए पी आई डॉट पी एच पी, चैनल डॉट पी एच पी, ये फाइलें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल हमारे लिए जो है, जिस पे हम ज़्यादातर काम करते हैं, वेब डॉट पी एच पी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए आप सभी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं अपने इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेब डॉट पी एच पी की जो फाइल है राउट्स में, वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस फाइल में क्या है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर यूआरएल पे ये है, इसका मीनिंग बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम जो पेज रीलोड करते हैं, ये है होम पेज, ठीक है, इसको रीलोड करते हैं तो ये क्या करता है, ये एक फंक्शन कॉल करता है। फंक्शन में ये रिटर्न करता है व्यू। व्यू के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस फोल्डर में व्यू होता है और ये सारा व्यू कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये वेलकम वाला व्यू रिटर्न कर रहा है। जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर स्लैश लगा होगा तो जो भी इसमें व्यू होगा ये वो रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं एक व्यू और बनाता हूँ, वहाँ पे व्यू तो आपको पता ही होगा कि रिसोर्सेज में व्यूज़ नाम का फोल्डर है, वहाँ पे ये व्यू है। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम रीनेम कर लेते हैं, इसको मैं अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने अबाउट तो व्यू का नाम दिया और साथ में ये ब्लेड क्या है, ब्लेड बहुत ही ज़रूरी है, एक लारावेल का सिंटैक्स है। इसको जो भी व्यू हमने कॉल कराना है उसमें लगाना पड़ता है, ठीक है, इसके बगैर हमारा व्यू काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको लगाना मत भूलिए किसी भी फाइल के आगे, ठीक है। तो ये अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी की फाइल बन गई। अब इसमें हमको थोड़ा चेंजेस करते हैं, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं, रिसोर्सेज, और यहाँ पे ये देखिए ये फाइल। अब हम क्या करते हैं कि इस फाइल को थोड़ा इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, जितना भी इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है इस फाइल में उसको हमने हटा दिया। और यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ। ये दोस्तों, मैं बेसिकली जो बूटस्ट्रैप वाला कंटेनर नहीं ले रहा, ये टेलमेंट सीएसएस वाला कंटेनर है। और इस वीडियो में फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को टेलमेंट सीएसएस नहीं आती तो मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है टेलमेंट पे, तो उस पे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि टेलमेंट है क्या, इसको हमने कैसे यूज़ करना है। बेसिकली ये एक बनी बनाई क्लासेस टेलमेंट वो जो हमें देता है, ठीक है, कंटेनर। और इसको मैं मैक्स ऑटो कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम बंद कर देते हैं, इसके बीच में थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं। पी टैग में ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं वेलकम टू अबाउट पेज। दोस्तों, मैं ये सारी सीरीज मैंने बनाई इसलिए है ताकि आपको लारावेल का पूरा आइडिया हो सके। आप एंड में, अगर एंड तक सारी सीरीज देखेंगे तो उसके बाद आप खुद की वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन बना सकेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक पावरफुल फ्रेमवर्क है लारावेल। वेलकम टू अबाउट पेज, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इतना हमने अबाउट वाला ये व्यू तो बना लिया, अब इसको कॉल कैसे करेंगे। इसके कॉल करने के लिए जो राउट्स में वेब डॉट पी एच पी की फाइल है वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा, ठीक है।
और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एक बार, मैं जैसे ही हमारा वेबसाइट रीलोड होगी तो वहाँ पे अबाउट को कॉल करा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमारा इंडेक्स पेज आता है तो यहाँ पे सिर्फ आपको अबाउट लिखना है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको तो यहाँ पे अबाउट आएगा, ये देखिए वेलकम टू अबाउट पेज। अभी वहाँ पे कंटेनर वगैरह इसलिए नहीं लगा क्योंकि टेलमेंट को कंपाइल नहीं हमने किया, तो उसको एक बार हम रहने देते हैं, वो अदर टॉपिक है, किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब हम पूरा कोई डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे या कोई वेबसाइट वगैरह बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा अबाउट वाला पेज कॉल हो गया है, ठीक है। कंटेनर क्योंकि इसने इन्होंने लारावेल ने कंपाइल की हुई है वही क्लासेज जो ऑलरेडी इसके वेलकम वाले पेज में लगी हुई है, साइज़ कम करने के लिए पर्च CSS उसे बोलते हैं, पर्च की हुई है। तो ये देखिए अबाउट वाला पेज हमारा कॉल हो चुका है। अब हम मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम वाला राउट जो होम पेज है मेरा वही आए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेलकम था, वेलकम आए, और मैं एक नया राउट बनाना चाहता हूँ तो आप इसी को कॉपी कीजिए और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और जैसे ही URL में अबाउट आए, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए अबाउट, URL में अबाउट आए तो हमें व्यू भी अबाउट वाला चाहिए, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे तो वेलकम वाला पेज ही चलेगा, ये देखिए। अब URL में अबाउट स्लैश अबाउट लिख के हमको लाना पड़ेगा, तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अबाउट वाला पेज हमारा चल पड़ा। तो ऐसे हम व्यू को कॉल कर सकते हैं। एक और वे होता है दोस्तों व्यू को कॉल करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सिंपली आप लिखिए राउट कॉलन कॉलन, और यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट व्यू व्यू, और यहाँ पे लिखिए अबाउट वाला ही मैं कॉल करता हूँ, अबाउट URL में अबाउट आए तो तभी ये कॉल हो। कौन सा व्यू? अबाउट वाले, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हमने हटा दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, वो ये देखिए सेम ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मेनली हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो ऊपर वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने डेटा वगैरह पास करना होता है, तो ऐसे हम डेटा वगैरह पास कर सकते हैं। तो एक बार मैं नीचे वाले को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले से कॉल करता हूँ। डेटा वगैरह पास कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे URL पे कोई भी ID वगैरह हमने पास करनी है, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे $ID, एक बार ऐसे लिखते हैं ID, ठीक है, देखते हैं ये काम करता कहीं। और यहाँ से हम डेटा पास भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मैं ऐसे इसको नेम दे देता हूँ, इसको की, और इसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ $ID, ठीक है। अब इस नेम वाले में वेरिएबल में इसकी ID ये हो जाएगी, तो इसको हमने अबाउट वाले पेज पे शो करना है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे $name जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार इसको हटा देता हूँ, ये देखिए, और इसको $name जो हमने नेम उधर लिया था ये वाला, तो ऐसे ये डेटा पास हम कर सकते हैं, ये URL पे जो भी ID होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ
अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि यूआरएल पे हमने प्रॉपर पाथ नहीं ना दे रखा, क्योंकि उसमें आईडी है, आईडी में यहाँ पे लिख देता हूँ 23। अब एंटर करते हैं, ये देखिए वेलकम टू अबाउट पेज 23। ऐसे हम डेटा भी पास कर सकते हैं, तो मेनली इसका हम इसलिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें डेटा पास कर सकते हैं, इसमें डेटा भी पास कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वे है हमें राउट डिफाइन करने का, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम कंट्रोलर वगैरह के बारे में बात करेंगे और कंट्रोलर को भी इधर राउट में डिफाइन करके कंट्रोलर में से जो भी व्यू है वो लेके आएंगे। तो अगर किसी ने दोस्तों मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरी एंड तक ये प्लेलिस्ट देखिए ताकि आपको लार्वल के बारे में फुल नॉलेज हो सके। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।